हाई एवरी वन इट्स योर गुरप्रीति वेलकम बैक टू माई चैनल सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थी साइंस का चैप्टर नंबर टू इज मैटर अराउंड अस प्योर ऑलरेडी चैप्टर वन हमने डिस्कस कर लिया है ठीक है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी उसको आप जाके वॉच कर सकते हो ये होने वाली हैं ऐसी वीडियो जो कि आपको एग्जाम से पहले देखने की बहुत ज़्यादा नीड है और अगर आपके रिजन अच्छी खास हो रखी है ना वन शॉट रिवीजन भी है तो जो चीजें आपकी क्लियर नहीं हो रखी हैं या फिर आपको ऑलरेडी क्लियर है उसके बारे में आप थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो ठीक है तो चलिए वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर का जैसे मैंने आपको नेम बता दिया मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट सबसे पहले मैटर के बारे में समझते हैं सो so, चलिए मैटर के बारे में हम समझते हैं सो so, मैटर बेसिकली क्या होता है कोई भी चीज ठीक है एनी थिंग डैट हैज मास एंड स्पेस इज कॉल्ड मैटर कोई सी भी चीज जिसका कोई मास है कोई स्पेस ऑक्योपाई करवाती है दैट इज कॉल्ड मैटर ठीक है उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कल वाले चैप्टर की ही चीज़ें मैं आपको जरा रिवाइंड करवा रही हूँ द पार्टिकल ऑफ़ मैटर इतने ज्यादा छोटे होते हैं पार्टिकल्स मैटर के कि उनको अगर आप चाहो ना कि मैं खुली आंखों से देख लूँ या मैं सिंपल माइक्रोस्कोप्स के साथ देख लूँ दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इतने ज़्यादा छोटी होती है ठीक है so सो यहाँ पे अगर आप और देखो मैटर के बारे में अ प्योर सब कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स ठीक है कोई भी एक प्योर सब्सट्रांस होगा जिसके अंदर की सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे दैट इज कॉल्ड मैटर ठीक है सिंगल टाइप ऑफ उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे मैटर बोलेंगे और वो सबस्ट्रांस क्या होना चाहिए बिल्कुल प्योर होना चाहिए और मैटर जो है उनको मैं क्लासीफाई करती हूँ दो टाइप्स में कुछ प्योर सब्सट्रांस भी होते हैं कुछ मिक्सचर्स भी होते हैं ठीक है ठीके? और एक और चीज़ जो प्योर सब्सट्रांस होंगे उनकी जो रेशियो हो रखेगी वो होगी फिक्स्ड या उनकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो होगी फिक्स ठीक है यानी कि जितना भी आप लोगे उनकी जो रेशियो होगी इसके बाद हम बात करते हैं, element. कि element क्या होते हैं उसके बाद हम की की बात करेंगे, mixture की बात करेंगे करेंगे yes, सारा कुछ इस वीडियो में आप अप कर लोगे चलिए एलिमेंट समझते हैं एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है तो एलिमेंट कैसे ऐसे होंगे जिनको कि आप ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हो सिंपलर सब्सट्रांस में चाहे उनके ऊपर आप कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी लगा लो चाहे उनके ऊपर ऊपर आप कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी लगा लो उनको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो ओके सो so, जो एलिमेंट है उनको बेसिकली हम तीन कैटेगरी में कवर अप करते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉड्स एलिमेंट का आपको मतलब क्लियर हुआ एलिमेंट एक ऐसी बेसिक uh, फॉर्म होती है मैटर की जिनको कि मैं ब्रोकन डाउन नहीं कर पाती हूँ सिंपलर फॉर्म में चाहे मैं कोई फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ कर लूँ चाहे मैं कोई केमिकल मेथड यूज़ कर लूँ वो नहीं होंगे ठीक है उसके बाद इसके हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड मेटल्स अब मेटल्स जो होते हैं उनके बारे में हम समझना ज़रा स्टार्ट करते हैं देखो दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अब मेटल्स क्यों होते हैं मेटल बेसिकली कंडक्ट करते हैं हीट को एंड इलेक्ट्रिसिटी को एंड ये मेलेबल भी होती है एंड डक्टाइल भी होती है कमेंट सेक्शन में ज़रा इन दोनों का मतलब बताओ मुझे मेलेबल क्या है एंड डक्टाइल क्या है जो एक चैप्टर की मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है ना उसका भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसी चैप्टर का वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो इफ़ यू वॉन्ट कि अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है एंड यू वॉन्ट कम्प्लीट एन के थ्रू स्टडी तो आप वहाँ से देख सकते हो बट अगर आपकी रिवीजन हो रखी है एंड यू वॉन्ट शॉर्ट रिवीजन तो आप यहाँ से देखिए ओके okay, तो मेटल्स क्या होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडली मेलेबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन मेटल्स मेटल्स हमें क्लियर हो गए अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की दे आर नाइ द मेलेबल नॉन डक्टाइल एंड दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यार इतनी सिंपल सी चीज़ है देखो जो चीज़ें मेटल में होंगी वो बेचारे नॉन मेटल में नहीं होंगी मेटल की डेफिनेशन याद होगी मेलेबल है डक्टाइल है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे नॉन मेटल में एक वर्ड लगा हुआ है छोटू सा दैट इज कॉल्ड नो तो जितनी भी मेटल की डेफिनेशन है उसके आगे आप नॉन लगा दोगे दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ वर्ट नॉन मेटल की यहाँ पे आपने नाइदर लगा दिया नॉर लगा दिया तो वहां से आपको क्लियर हो गई चीजें ठीक है थर्ड पे आते हैं बच्चे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना आपका काम है ठीक है कोई भी डाउट आता है उसको क्लियर करना मेरा काम है बट सब्सक्राइब करके जाया करो एंड लाइक like भी करके जाया करो सो दैट की मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियोज़ अपलोड करती जाऊं जाऊँ चलिए एनी हाउ नेक्स्ट देखिए मेटेलाइड्स मेटेलाइड्स क्या होते हैं कि दे आर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दो ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अब अगर मैं बात कर रही हूँ मेटल की प्रॉपर्टीज की नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की उनकी जो बीच बीच चीज़ आती है ना ठीक है दैट इज कॉल्ड मेटेलॉइड्स सो मेटेलाइड्स एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है, हैं इंटरमीडिएट्स बिटवीन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर मैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रही हूँ तो वो चीज़ें किस में आती हैं वो चीज़ें आपकी आती हैं मेटेलाइड्स के अंडर ओके okay, जी ऑल क्लियर मेटेलाइड्स भी उसके बाद हमारी एलिमेंट के बाद जो दूसरी चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड अब कंपाउंड क्या होता है कंपाउंड कंटेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ बट 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 उनकी रेशियो क्या हो रखेगी वेरी नाइस nice, फिक्स्ड होगी ठीक है ऐसे कंपाउंड जिनके ऐसे कंपाउंड कंटेन्स एटम ऑफ ठीक है डिफरेंट एलिमेंट ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एटम होंगे बट उनके एलिमेंट डिफरेंट होंगे केमिकली वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड होंगे और उनकी रेशियो क्या होगी फिक्स्ड होगी दैट इज कॉल्ड कंपाउंड्स ठीक है जी उसके बाद हम आते हैं मिक्सचर के ऊपर अब मिक्सचर क्या होगा आपकी मम्मा जब खिचड़ी बनाती है ना उसमें क्या करते हैं सारी चीजें मिक्सअप कर देते हैं ठीक है या जब पाव भाजी आप खाते हो उसमें भी सारी वेजिटेबल्स को मैश कर दिया जाता है वो भी एक टाइप का मिक्सचर ही है क्या मिक्सचर में समझते हैं क्या उसमें भी पाव भाजी बनती है कुछ और बनता है सो ध्यान से देखिए मिक्सचर टू और मोर एलिट्स अब भाई कोई प्रपोर्सन की बात नहीं है जितना भी आपको जो भी चाहिए बस उसको मिक्स कर दो किसी भी प्रपोर्शन के अंदर आप मिक्स कर दो दैट इज कॉल्ड मिक्सचर ठीक है मिक्सचर में आपने कोई सा भी प्रपोर्शन ले लेना कोई भी चीज़ आप ज्यादा ले सकते हो कोई भी चीज़ आप कम ले सकते हो बट वो चीज़ दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए वो एलिमेंट भी हो सकता है कंपाउंड भी हो सकता है उसको जस्ट आपने मिक्स करना है किसी भी प्रपोर्शन में उसको आप मिक्स कर सकते हो क्लियर है जी मिक्सचर आपको अच्छे से तो अगर मैं यहाँ पे आपको मिक्सचर के बारे में कुछ और भी बताना चाहूँ तो तो सुन लो जरा मिक्सचर के बारे में भी आप एक और चीज़ें दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ मिक्सचर के बारे में ठीक है तो उसको जरा आप ध्यान से सुनना जो आपके पास मिक्सचर होएंगी ना वो आपके टू टाइप के होते हैं फर्स्ट वन इज योर होमोजीनियस ठीक है फर्स्ट वन इज होमो एंड सेकेंड इज हेट्रो अब ये क्या चीज़ें हैं ठीक है ठीके? इनको ज़रा ध्यान से देखना तो मिक्सचर को मैंने दो वेज में क्लासीफाई करा फर्स्ट वन इज होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस अब इनमें क्या क्या होता है देखो होमोजीनियस में क्या होता है कि जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है चीज़ें कम्पलीटली मिक्स हो जाती है ठीक है दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस एनहाड्रोजीनियस क्या होता है कि जो दो चीज़ें आपने कंबाइन करी बट वो कम्प्लीटली मिक्स हुई नहीं ऑयल में आप वाटर वाटर में आप ऑयल डाल हो ठीक है अब मान लो ये मेरे पास कोई बीकर है ठीक है बच्चे एंड इसके अंदर मैंने क्या ऐड करा वाटर ऐड करा यस yes, पानी देखो आजकल पर्पल कलर का हो चुका है है ना एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऊपर ऑयल डाला एंड ऑयल की पतली सी यहाँ पे लेयर बन जाएगी ठीक है अब मैं जितना मर्जी घुमाने की इसको कोशिश करूँ कि भाई मिक्स हो जा मिक्स हो जा मिक्स हो जा बट ये इतना ज़्यादा ज़िद्दी है ना ये मिक्स ही नहीं होगा जो मिक्स नहीं हो रहा है उस मिक्सचर का नाम क्या होगा बेटा उस मिक्सचर का नाम होगा जी हेट्रोजीनियस उस मिक्सचर का नाम क्या होगा हेट्रोजीनियस एंड एक और चीज़ है तो मेरे को बता सकता है कि अगर मैंने ऑयल को पानी के अंदर मिक्स करना है तो उसके अंदर मैं कौन सी चीज़ डालूंगी कि वो मिक्स हो जाएगा फटाफट से बताओ है कोई ओके सो आई विल टेल यू ठीक है अगर आप ऑयल में पानी या पानी में ऑयल डाल रहे हो ठीक है आप उसको मिक्स करना चाहते हो तो उसके अंदर अगर आप लिटिल बिट ऑफ साबुन डाल दोगे या कोई भी आप डिटर्जेंट डाल दोगे तो मिक्स हो जाता है आपने देखा है कभी कभार क्या होता है कि हम कभी कभार क्या जो यूजुअली बर्तन साफ़ करते होंगे या अगर आपने देखा है किसी को साफ़ करते हुए तो ऑयल जमा होता है उसके ऊपर भी जब आप अच्छे से यू you नो know, साबुन के साथ उसको साफ़ करते हो डिटर्जेंट के साथ उसको आप साफ़ करते हो जो भी आप यू नो सोप यूज़ करते हो साफ करने के लिए अपने यूटेंसिल्स को तो वो बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है ऑयल की जो लेयर होती है बहुत अच्छे से वहाँ से रिमूव हो जाती है ठीक है बट नॉर्मल अगर मैं उसको मिक्स करी जाऊँ पानी के अंदर ऑयल को तो मिक्स नहीं होगा ओके तो दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट मैं अगर सॉल्ट के अंदर पानी एड ऑन कर रही हूँ तो वो मिक्स हो जा रहा है बट अगर मैं सॉल्ट की क्वांटिटी पानी से ज़्यादा कर दूँगी तो वो भी नहीं मिक्स होगा ठीक है जी सो so ये दो चीज़ें थी होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज़ सोल्यूशन अब सोल्यूशन क्या होता है कोई भी प्रॉब्लम हो जाती तो आपको होता है यूट्यूब पर सर्च कर लो कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा गूगल कर लो कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा है ना इसमिस्ट्री में सोल्यूशन क्या होता है तो यहाँ पर समझिए इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर द मेजर कॉम्पोनेट ऑफ द सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट एंड माइनर इज कॉल्ड सल्यूट ओके 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 है ना बहुत हो गया इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ एक यहाँ पे वर्ड आ गया सल्यूट एक वर्ड यहाँ पे आ गया सॉल्वेंट एक वर्ड आ गया, गया यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर ठीक है जी चलिए अच्छे से समझते हैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुनना ठीक है जरा जो भी डिस्ट्रैक्शन है माइंड में प्लीज उसको साइड में कर दो बिकॉज ये टाइम पढ़ने का है नंबर इस बार हमने अच्छे लेने हैं तो देखो ध्यान से अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे और है माइनर एंड अंडरलाइन कर लेते हैं तो समझिए कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर अभी हूँ वो, हो वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर ठीक है जी जो मैंने होमोजीनियस मिक्सचर लिए उनको मैंने कोई भी दो सब स्ट्रांस लिए उनको कम्पलीटली मैंने मिक्स कर दिया और वो होमोजीनियस मिक्सचर बना ओके यहाँ तक ये जो मेजर कंपोनेंट होगा सोल्यूशन में अब मेजर कंपोनेंट क्या है अगर मैं पानी और सॉल्ट ले रही हूँ वेरी गुड पानी और सॉल्ट ले रही हूँ तो मेजर कंपोनेंट क्या होगा बेटा मेजर कंपोनेंट होगा वाटर सो वाटर इज वट सॉल्वेंट एंड माइनर कॉम्पोनेंट क्या होगा सॉल्ट एंड सॉल्ट इज वट सल्यूट क्लियर हुआ अब मेजर जो कि सबसे बड़ा वर्ड है उसके साथ कौन सा आएगा वर्ड सॉल्वेंट अगर आपको याद नहीं होता तो ये यह देखो यहाँ पे एक वर्ड है सॉल्वेंट ठीक है यहाँ पे एक वर्ड है सॉल्वेंट दूसरा वर्ड है सल्यूट एक यहाँ पे वर्ड है आपके पास मेजर एक यहाँ पे वर्ड है माइनर मेजर क्या होता है ज्यादा तो ज्यादा के साथ आप सॉल्वेंट ऐड कर दोगे माइनर क्या होता है कम तो उसके आप सल्यूट ऐड कर दोगे साथ में हुआ क्लियर अभी आपको ठीक है यानी कि एक वर्ड है यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्वेंट में हम किसको कंसीडर करके चलेंगे सॉल्वेंट हम कंसीडर करके चलेंगे मेजर को एंड जो आपका सल्यूट होगा उसमें हम लेंगे माइनर को यहाँ तक आपको क्लियर है चैप्टर भी हमारा खत्म ही होने वाला है बहुत थोड़ी सी चीजें रहेंगी जो मैंने आपको बतानी है अब देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है इसको हम समझते हैं बिकॉज आई डोंट वांट कि आपका एक भी आज रह जाए इसको ध्यान से समझो उसने बोला एक सोल्यूशन है 40 kg, 40 मैंने क्या लिया Salt लिया सॉल्ट हमने यहाँ पे क्या लिया सॉल्ट लिया सॉल्ट के साथ हमने क्या लिया पानी ले लिया आप पानी आपको देख पा रहे हो पानी आप ओके तो चलिए को देखते हैं ठीक है बीच में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो गई थी इसलिए वीडियो मेरे को पॉज करनी पड़ी थी जरा सो so, यस yes. तो ये हमारा सम है ठीक है इंपॉर्टेंट है ये सम समे पे ये बोल रखा है इस नोमिकल में आपके पास कि आपके पास वाटर है एंड सेकेंड चीज़ क्या है हमारे पास सॉल्ट है ठीक है दो चीज़ें हैं हमारे पास एंड वाटर की क्वांटिटी क्वान्टिटी बात है ज़्यादा होगी उसका रीज़न क्या है क्योंकि पानी में हम डिज़ोल्व कर रहे हैं ना सॉल्ट को क्योंकि हमारे पास पानी है उसके अंदर हम बचे ऐड करें किसको उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट को ठीक है इसलिए पानी की क्वांटिटी हमने ली थ्री ट्वेंटी एंड जो सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी हमने ली फोर्टी वाट इट अब यहाँ पे देखना क्या होने वाला है हमें पता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होगा कम होगा ठीक है ज़्यादा होगा सॉरी तो सॉल्वेंट हमारे पास कितना आ गया थ्री ट्वेंटी आ गया एंड जो सल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास उसकी क्वांटिटी होती है हमारे पास कम उसकी कितनी आ गई फोर्टी ग्राम्स आ गई अब हमने निकालना है सल्यूशन अब सल्यूशन कैसे निकलेगा जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास बीकर है इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया ठीक है अब उस पानी के अंदर मैंने सॉल्ट भी एड ऑन कर दिया थोड़ा बहुत जब ये सारा मिला ये एक सोल्यूशन बना यहाँ पर ठीक है यहाँ पर ये सोल्यूशन बना तो क्या करेंगे हम इसको अगर मैंने प्रॉपर निकालना है तो मैं इसको क्या करूँगी ऐड ही करूँगी ऐड में किस किस चीज़ को करूँगी सल्यूट को प्लस सॉल्वेंट को इन दोनों चीज़ों को मैं ऐड ऑन कर दूंगी मेरे पास एक चीज़ फोर्टी है दूसरी मेरे पास थ्री ट्वेंटी है इन दोनों को मैंने ऐड करा मेरे पास थ्री सिक्सटी आ गया उसने बोला कि आपको मास परसेंटेज निकालनी है सोल्यूशन की जब भी सोल्यूशन का फॉर्मूला लगता है यहाँ पर तो ऊपर आता है सल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम होती है नीचे आता है मास ऑफ सोलूशन जिसकी क्वांटिटी आपकी ज्यादा होगी तो आप 40 को डिवाइड करोगे 360 के साथ आप कर दोगे 100 यू विल गेट 11.1 ओके सो दैट वाज योर रिक्वायर्ड आंसर अब ये काफी इंपॉर्टेंट है मिक्सचर्स एंड कंपाउंड इसको आप देख लो जरा मिक्सचर में क्या है कंपाउंड में क्या है, है? चीजें वही हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं सो एलिमेंट वही होता है जिसमें आप एलिमेंट हो गया जिसमें क्या आप मिक्स करते हो टुगेदर टू फॉर्म द मिक्सचर ठीक है बट इसमें कोई भी नया कंपाउंड जो है वो फॉर्म नहीं होता है एंड कंपाउंड क्या होता है कि जब एलिमेंट रिएक्ट करते हैं नया कंपाउंड बनाने के लिए दैट इज कॉल्ड एल कंपाउंड ठीक है देखो जब एलिमेंट आपस में मिलते हैं एक कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं मिक्सचर क्या होता है मिक्सचर होता है कोई भी एलिमेंट होगा कंपाउंड हो गया उसको आपने मिक्स किया टुगेदर ताकि आपने मिक्सचर बना दिया और मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन होगी वो क्या होगी वेरिएबल होगी मिक्सचर में जो कॉम्पोजिशन होंगी वो क्या होंगी आपकी वेरिएबल होंगी बट जो आपके कंपाउंड होंगे उसमें जो रेशो होगी वो ऑलवेज क्या होगी फिक्स्ड होगी और मिक्सचर जो है वो प्रॉपर्टीज़ शो करता है कुछ ना कुछ बट जो कंपाउंड है वो टोटली totally डिफरेंट होता है ठीक है मिक्सचर जो है वो ऑब्वियसली बात है ना जब मैंने देखो पानी के अंदर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो उसी चीज़ की मिक्सचर जो होगा वो पानी की या सॉल्ट की क्वालिटी को शो करेगा बट एलिमेंट में जो आपका कंपाउंड है उसमें ये चीज़ नहीं होती उससे ऑपोजिट हो जाता है ठीक है अब लास्ट यहाँ पे देखो अब मैटर मैटर अगर मैं मैटर की बात करूँ मेरे पास मैटर के अंदर तीन चीज़ें आती हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस बहुत हमने डिटेल में चैप्टर वन में डिस्कस कर लिया ये चीज़ें नहीं देखा चैप्टर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसको जाके आप देख लेगा उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि मैटर के अंडर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं प्योर सब्सट्रांस एंड मिक्सचर अब एलिमेंट क्या होता है कंपाउंड क्या होता है एलिमेंट बेसिकली क्या होता है कि जिसको मैं ब्रोकन डाउन नहीं कर सकती हूँ सिंपलर सब्सटेंस में वो एलिमेंट हो गया कंपाउंड होता है कि जिसको मैं ब्रोकन डाउन कर सकती हूँ कोई भी केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवा के फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया ऑक्सीजन हो गया एंड कंपाउंड में मैंने ले लिया वाटर हो गया या फिर शुगर हो गया ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस अभी हमने बताया कि होमो में क्या होगा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी हेट्रो में क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म कम्पोजिशन होगी जैसे शुगर इन वाटर ले लो सॉल्ट इन वाटर ले लो यहाँ पे आप सैंड ले लो रे जब आप रेत लेते हो वो भी नहीं पानी में घुलती ऑयल लेते हो वो भी नहीं पानी में घुलता ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट इट तो यही था जो मैंने आपको चैप्टर सेकंड में बताना था आई होप चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर एंड uh, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है एंड चैनल पर नए तो चैनल को शेयर भी कर दिया करो ठीक है एंड आप व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी वहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड होगी पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड जो भी मेरे नोट्स प्रोवाइड करवाने होंगे वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग